दोस्तों, मैं हूं आसिफ शाजी, आपके साथ हूं। ये देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने अपना नाश्ता बनाने के लिए मैंने टमाटर काटा है, फिर मैंने शिमला मिर्च काटी है, फिर इसको काट के मैंने बोल में डाला। बोल में डाल के इसको मैंने दो एग डाले, एग डाल के मैंने शेक किया। शेक करके फिर मैंने इसको रख दिया थोड़ी देर के लिए। अब फिर मैंने चूल्हा जलाया, चूल्हा जला के सॉस पैन में मैंने हल्का सा बटर डाला है। बटर डाल के देख सकते हैं गर्म हो चुका है, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसमें डालेंगे आमलेट डालेंगे, क्योंकि आमलेट अब डालेंगे तो ये बहुत प्यारा कलर हो चुका है। ये देख सकते हैं ये आमलेट है, ये शेक हो चुका है काफ़ी। अब हम डालेंगे उसके अंदर, डालेंगे सॉस पैन में। ये देख सकते हैं, 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 कितना प्यारा हो, कितना रिलीज हो गया। ये देख सकते हैं, ये देखिए कितना प्यारा हो चुका है, ये देख सकते हैं। अब हल्के हल्के इसको हम साथ करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, इसको देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कितना प्यारा। अब हम इसके ऊपर डालेंगे, ये देख सकते हैं कितना प्यारा और रोमांटिक हो चुका है। अब इसके हम ऊपर रखेंगे एक ढक्कन। ये देखिए ये शिमला मिर्च सारी है, ये आमलेट डालता है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा इसको ना 5 मिनट के लिए ढक देंगे। ढक्कन दे देंगे, ये ढक्कन दे दिया, ठीक है। ये मैं ढक्कन दे दिया सिर्फ 2 से 2.5 मिनट या 2 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, फिर वो नीचे काला हो जाएगा। अब हम वेट करेंगे इसका, ये कब होगा तैयार। चूल्हा हल्की आँच में, यहाँ चूल्हा हल्की आँच में है, बस 2 मिनट बाद ही हो जाएगा, फिर हम इसको इंजॉय करेंगे ज़िंदगी में। ये मेरे पास ये सामान मेरा कटा हुआ है, इसको उठाएंगे और डस्टबिन में फेंकेंगे। छोटी साइड पर रखते हैं, ये बटर भी साइड पर रखते हैं, ये टमाटर हैं ये भी साइड पर रखते हैं, इसको फेंकेंगे डस्टबिन के अंदर, ठीक है जी। हमने फेंक दिया डस्टबिन के अंदर, ठीक है जी। अब हम लेंगे ब्रेड, ये है जी ब्राउन ब्रेड, देख सकते हैं ब्राउन ब्रेड है। इसको हम ऐसे खोलेंगे, ठीक है, इसको हम इसके अंदर से हम 2 स्लाइस निकाल लेंगे गर्म होकर। ये देखिए हमने प्लेट में रखी थी 2 स्लाइस, ये देखें, ठीक है। और इसके अलावा हम इसको गर्म करेंगे, फिर मज़े से खाएंगे। हम देखते हैं इसकी 2 मिनट हो चुके हैं, इसकी क्या पोजीशन है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, बहुत प्यारा हो चुका है जी, बहुत खूबसूरत। अब इसको हम उतारेंगे, देख सकते हैं हम इसको उतारेंगे। ये देखिए, ये देखिए कितना खूबसूरत, देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा हो चुका है ये आमलेट, कि आपको मैं कह रहा तो बहुत खूबसूरत हो चुका है, बहुत प्यारा लग रहा है आमलेट। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारा हो चुका है जी। अब हम प्रोसेस को नीचे जमना जाएँ, इसको हल्का सा हम शेयर करेंगे। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ओह माशाल्लाह ये बहुत प्यारा हो चुका है, ये देख सकते हैं नीचे जम गया मुझे लगता है। इसको हम हलाएँगे थोड़ा सा नीचे तक के जमे ना, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितना खूबसूरत हो चुका है आमलेट, ये देखिए, ये देखिए बहुत मज़ीद हो चुका प्यारा। आप इसको ऐसे हलाएँगे, ये देखना कितना खूबसूरत हो चुका है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितना प्यारा हो चुका है, ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत पक रहा है। अब हम इसको करेंगे शेक करेंगे, अब इसको उठाएंगे ऐसे करके, बिस्मिल्लाह ऐसे करेंगे, ये देखिए वेरी गुड शाबाश, अब कितना कलर इसका चेंज हो चुका है। अब इनको ऐसे हिलाएंगे नीचे जम ना जाए, ये देखिए कितना खूबसूरत हो चुका है, कितना प्यारा हो चुका है, ये देख सकते हैं इस ब्यूटीफुल। अब इसके ऊपर हम रखेंगे, निकाल देंगे प्लेट के अंदर, ठीक है, इसको हम प्लेट के अंदर डालेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं प्लेट में डाल दिया। अब हम इसके ऊपर रखेंगे ब्रेड, जो कि बहुत मज़ेदार ब्रेड, और इसको गर्म करेंगे और ऐसे आगे तैयार हो जाएगा। ये देख सकते हैं इसको गर्म करेंगे, गर्म करेंगे, और ये गर्म करने का ये फ़ायदा है कि ये थोड़ी सी ब्रेड ना ग्रेवी सी और क्रंची सी हो जाती है, और मज़ा आता है, थोड़ी सी ना रेड हो जाती है, नरम हो जाती है। एक सेट हो चुकी है, दूसरी सेट करते हैं जी, ये देखिए दूसरी सेट भी हो चुकी है। ये देखिए जी हमारा सैंडविच तैयार हो चुका है, अब इसको हम मज़े से खाएंगे और इन्जॉय करेंगे, और आपको दिखाएंगे कि सैंडविच ऐसे तैयार होता है जी। मुझे तो बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत मज़ा आएगा। ये देख सकते हैं जी,
ये उठाएंगे मैं से लेके। तो ये देख सकते हैं जी, मेरा सैंडविच तैयार हो चुका है जी, कितना खूबसूरत तो प्यारा लग रहा है जी। अब मुझे भूख बहुत लगी हुई है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।